सीहोर में 16 फरवरी को एक अनोखी शादी देखने को मिली, जिसमें दूल्हा दुल्हन ने हिंदू रीति रिवाजों को निभाने के बजाय संविधान की शपथ लेकर शादी की। इतना ही नहीं, शादी में आए सभी मेहमानों ने भी संविधान की शपथ लेकर उसका पालन करने का संकल्प लिया। देखिए ये खास रिपोर्ट। शहर के भारती नगर निवासी विष्णु प्रसाद दोहरे के पुत्र हेमंत और जयराम भास्कर की पुत्री मधु की अनूठी शादी संपन्न हुई। इस अनूठी शादी को लोग देखते रह गए। बारात में दूल्हा हाथ में संविधान की किताब लेकर चल रहा था। वर वधु के स्टेज पर बौद्ध एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र रखे हुए थे, जिसे साक्षी मानकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। फिर वर वधु को भारत के संविधान के प्रस्तावना की शपथ दिलाई गई और आखिरी में जीवन भर एक दूसरे का साथ देने का संकल्प लेकर विवाह संपन्न हुआ। मेरे भाई की शादी हुई है तो उसमें हमने संविधान की शपथ दिलाई, संविधान की प्रस्तावना का वाचन किया और संविधान की शपथ ली है, क्योंकि संविधान को ही हमें देश में जब जन जन तक संविधान को लोग जानेंगे। और मैं अभी कल परसों एक न्यूज़ देख रहा था, उसमें ये देख रहा था कि पिछले कई दिनों में भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब संविधान हो गई है। तो ये बहुत ही खुशी की बात है कि लोग आज संविधान की तरफ बढ़ रहे हैं। तो संविधान की तरफ जितना देश बढ़ेगा तो अनूठा ही होगा और अच्छा होगा। बाबा साहब से ही हमारा सब कुछ है और बाबा साहब के दिए हुए संविधान से ही हमारा मान सम्मान और स्वाभिमान है। तो निश्चित ही संविधान ही हमारा सब कुछ कर सकता है, इसलिए हम लोगों ने संविधान को साक्षी मानकर आज शादी की। बता दें कि शादी के निमंत्रण पत्र पर भी बुद्ध और डॉक्टर अंबेडकर के चित्र अंकित कराए गए हैं। सब मंगलम, प्रज्ञा, शील, करुणा, कुछ इस प्रकार के गौतम बुद्ध संदेश विवाह निमंत्रण पत्र पर लिखे गए थे। विवाह के निमंत्रण पत्र पर बुद्ध और डॉक्टर अंबेडकर के चित्र छपवाए गए। इसके अलावा भारत का संविधान हमारा स्वाभिमान जैसे स्लोगन भी शादी कार्ड पर अंकित है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, सीहोर।